दोस्तों, यस और ब्लॉग चैनल आपका अपना चैनल। तो एक बार फिर से हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सी क्यूट सी पग की बेबी है और इस लीटर में हमारे पास 3 मेल 4 फीमेल अवेलेबल हैं। 3 मेल 5 फीमेल थे तो ये जा रही है, तो अब 3 मेल 4 फीमेल और बचे हुए हैं। पग बेसिकली चाइना की ब्रीड है, ये चाइनीज ब्रीड है और ये टॉय ब्रीड में आते हैं। इनका अधिकतम जो बॉडी वेट होता है वो होता है 7 से 8 kg फीमेल का, और मेल का होता है 9 से 10 या ज्यादा से ज्यादा 11 kg तक हो सकता है। इनकी जो लेंथ होती है वो 11 से 12 इंच तक होती है इस तरीके से, और ये बहुत ही ज्यादा मिलनसार और घूमने में बहुत ज्यादा इनको मजा आता है। जब भी आप लोग कोई छोटा पपी लेते हैं तो 3-4 बातों का मुख्य रूप से जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले ये जरूर पूछ लें उस पर्टिकुलर ब्रीडर से या उस पेट ओनर से जिनसे आप ले रहे हैं कि उसके पहले पपी क्या खा रहा था, क्योंकि सडन खाने में आए हुए बदलाव की वजह से कई बार लूज मोशन, उल्टियाँ, दस्त और तमाम तरीके की बीमारियाँ हो सकती हैं, गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी पपी खा रहा है अगर आपको चेंज करना है तो आप धीरे धीरे करके अपने खाने पे या अपने बजट के अकॉर्डिंग डॉग फूड पे आप उसको शिफ्ट करें। दूसरा, कभी भी जब भी हम कोई पपी लेते हैं तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि दूध पिलाते हैं। दूध से अधिकतर गैस हो जाता है, गैस की वजह से फिर वॉमिटिंग होती है, लूज मोशंस होते हैं और कई चीज़ों की दिक्कतें होने लगती हैं, खास तौर पे छोटे बच्चों में। तो इन बच्चों के लिए दूध इतनी छोटी एज में बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। हो सके तो दूध पिलाने से बिल्कुल बचें और बिल्कुल भी दूध ना दें इतनी छोटी उम्र में। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर गर्मी है तो आप पूछ लें कि जो पपी रह रहा था एसी में रह रहा था, कूलर में रह रहा था, या दोनों में रह रहा था, या नॉर्मल टेम्परेचर में भी रह लेगा, उसी हिसाब से उसको एडजस्ट करें, क्योंकि अचानक आए हुए टेम्परेचर में बदलाव की वजह से भी बच्चा डर जाता है, सुस्त रहता है, एंजाइटी में चला जाता है। ठीक है, अभी जो ये पपी है ये इसकी आदत है, ये कूलर में भी रहती है, एसी में भी रहती है, फैन में भी कभी कभी रह लेती है। तो सबसे पहले आप जब एक पग का पपी ले रहे हैं, पग का चुनाव कर रहे हैं, तो आप हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि पग का जो फेस है स्पेशली पग ब्रीड का, वो बहुत ज़्यादा आगे की ओर निकला ना। अब आप देखिए इसका फेस बिल्कुल राउंड है, पंच है और अंदर की ओर घुसा हुआ है। आंखें इनकी हमेशा बाहर होती हैं, कई बार इनमें भी मिक्सिंग हो जाती है, जैसे मदर पग है तो गलती से किसी पोमरेनियन या छोटी ब्रीड के किसी स्ट्रीट डॉग ने मैट कर दिया। कई बार मेरे पास ऐसे पपीज भी लोग लेकर के आते हैं कि सर इनको देख लीजिए, ये मुझे प्योर नहीं लग रहा, मैंने फला जगह से लिया है। तो सबसे पहले तो इनका चेहरा, दूसरा रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ, जितने ज़्यादा रिंकल्स होते हैं ये उतने खूबसूरत लगते हैं। अब देखिए अभी मैंने हवा में उठाया हुआ है तो रिंकल्स नहीं दिख रहे, बाकी इसके बहुत अच्छे खूबसूरत चेहरे पे रिंकल हैं, गर्दन पे रिंकल है, बॉडी पे है, और इनकी दुम हमेशा घूमी रहती है हमेशा, और डबल रिंग होनी चाहिए, 1-2 डबल रिंग से ये ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगर सिंगल रिंग भी है तो तब भी वो बच्चा प्योर ही। अब देखिए इसको बार बार मैं अगर सीधा भी करूँगा तो ये अपने आप घूम जाएगा। बस। अभी बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गोद में अच्छा नहीं लग रहा है, अब इसको छोड़ देते हैं, ये घूमेगा टहलेगा। आप में से जिन भी लोगों को पग के पपीज़ या कोई भी अन्य बच्चे लेने हो, जर्मन शेफर्ड, चिट्जू, चुहावा, पग, पोमरेनियन, केन कॉर्सो, डॉगर जिन पे हैं, शेयर कीजिए। और इंस्टाग्राम पे हमारा जो अकाउंट है दैट इज़ saurabh_dog_kennel, और हमारी वेबसाइट है www.saurabhpetsmart.com, एक बार ज़रूर विजिट करिए, आपको वहाँ पर भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू। आ गया ये मेरे पास, अरे गजब।